हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग। मैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑल कंटेंट हेयर में आपका स्वागत करता हूं और बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस आप लोगों को पता ही है कि स्कूल में कभी टीचर ने बोला गर्ल्स वर्सेस बॉयज, तो गर्ल्स अलग छोर में आगे आते हैं और बॉयज अलग छोर में, और क्लेम करते हैं कि वो बेस्ट है। तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन बेस्ट है, गर्ल्स की बॉयज? आज हम ये टेक्निकली जानने वाले हैं कि कौन बेस्ट है, गर्ल्स या बॉयज। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि गर्ल होने के क्या फ़ायदे हैं और बॉय होने के क्या फ़ायदे हैं, इससे हमें कौन बेस्ट है ये जानने में आसानी होगी। तो देखते हैं गर्ल होने के बेनिफिट्स। फर्स्ट, दे हैव स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। सेकेंड, गुड इन रिमेम्बरिंग। थर्ड, दे कैन सी मोर कलर शेड्स। फोर्थ, दे आर बेटर लिसनर्स। फिफ्थ, दे आर गुड इन हैंडलिंग स्ट्रेस, और बहुत सारे। अब देखते हैं बॉय होने के बेनिफिट्स क्या है। फर्स्ट, दे हैव स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रेंथ। सेकेंड, दे डोंट टेक मेंटल स्ट्रेस। थर्ड, दे गिव क्विक रिएक्शन। फोर्थ, दे कैन फास्टली कनेक्ट टू अदर। फिफ्थ, दे कैन ईजिली सफर फ्रॉम पेन, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन हम हमारे स्किल्स कैसे डेवलप करते हैं ये अपने पर होता है, क्योंकि कुछ लड़कियां फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, वही तो कुछ लड़के फिजिकली वीक होते हैं। अब आते हैं दोनों में से बेस्ट कौन है। गर्ल होने के बहुत सारे एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी, वैसे ही बॉय होने की भी बहुत सारे एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है, ये सब सोच पर होता है। कुछ को लगता है लड़कियाँ बेस्ट है और कुछ को लगता है लड़के बेस्ट है। लेकिन याद रखना, आप जैसे हो वैसे ही बेस्ट हो। खुद पे भरोसा रखो, खुद को बेस्ट समझो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और वीडियो पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करो। और आपने लाइक डिसलाइक क्यों किया है उसका रीज़न कमेंट करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।